नमस्कार, आप देख रहे हैं PCBN भारत न्यूज। खबर जनपद मिर्जापुर के छानवे क्षेत्र के विजयपुर से। विजयपुर निवासी फौजी की अपाचे मोटरसाइकिल हुई चोरी। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिला के छानवे क्षेत्र के विजयपुर स्टेट बैंक के सामने निवासी राजेश कुमार पुत्र अंबिका प्रसाद की अपाचे RTR TVS 160 cc लाल रंग की मोटरसाइकिल 10 मई 2024 को रात 9 बजे चोरी हो गई। राजेश कुमार पुत्र अंबिका प्रसाद अपनी अपाचे मोटरसाइकिल लेकर घर से कुछ दूर पड़ोस में एक शादी समारोह में आए थे और शादी समारोह में खाना खाने के बाद जब मोटरसाइकिल के पास गए तो मोटरसाइकिल वहां पर नहीं थी। वह तत्काल गैपुरा चौकी इंचार्ज को सूचना दिया और सुबह विंध्याचल थाना प्रभारी तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी सूचना दिया। आपको बता दें, लेकिन खबर लिखे जाने तक प्रार्थी की कोई भी आश्वासन नहीं मिला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जब तक खबर लिखी गई प्रार्थी को कोई अभी तक आश्वासन नहीं मिला। प्रार्थी राजेश कुमार पुत्र अंबिका प्रसाद BSF में नौकरी करते हैं और इस समय छत्तीसगढ़ में तैनात थे। 1 माह की छुट्टी लेकर अपने घर पे आए थे। निवासी विजयपुर निवासी राजेश कुमार की अपाचे मोटरसाइकिल हुई चोरी। आप देख रहे हैं PCBN भारत से हमारे संवाददाता प्रकाश सिंह की खास रिपोर्ट। पुत्र अंबिका प्रसाद निवासी विजयपुर स्टेट बैंक सामने पोस्ट विजयपुर थाना विंध्याचल जनपद मिर्जापुर उत्तर प्रदेश 23-13-03 का निवासी हूँ। मैं BSF में सिपाही के पद पर तैनात हूँ छत्तीसगढ़ में। मैं 1 महीने का छुट्टी लेकर अपने घर आया था। उसी दौरान दिनांक 10-5-2024 को पड़ोस पे हमारे शादी थी, जहाँ पर मैं अपने बाइक अपाचे RTR से UP 63 AK 4513 से समय 9 बजे उस शादी पर मौके पे गया और वापस समय 10:30 वापस आने पर बाइक खड़ी ना मिलने पर स्थानीय देख रेख करते हुए चौकी प्रभारी गैपुरा महोदय को सूचित करते हुए मॉर्निंग सुबह 10 बजे थाना विंध्याचल प्रभारी महोदय को सूचित करते हुए समय लगभग 12 बजे पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जा कर के महोदय को सूचित किया और अभी तक का वहां से हमको आश्वासन मिला उस समय कि आपकी बाइक का देख रेख किया जाएगा और आपकी बाइक वापस खोज निकाली जाएगी। हमें आश्वासन दिया गया और अभी तक हमारे को कोई सूचना न मिलने पर न प्रशासनिक खंड को सूचना मिलने पर मैं इस मीडिया सोशल मीडिया का मदद लेकर के मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ के चोरों और चुकड़ों को कि जिस तरीके से हमारे देश की सरकार अपने मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और हमारे राज्य की सरकार अपनी मुस्तैदी से पूरा काम कर रही है, उसमें ये बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ना करें तो बहुत अच्छा है और हमारे राज्य की प्रशासन अपनी काम को पूरी मुस्तैदी से कार्य करने में सक्षम है और कर रही है। कृपया करके हमारी बाइक कहीं भी लेके गए हों वो मौके पर स्थानीय जगह पर छोड़ करके या तो चले जाए या तो हमारी बुला करके हमारी थाना इंचार्ज महोदय को चौकी इंचार्ज महोदय को सपुर्द करके वापस सरेंडर कर जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमारे राज्य की प्रशासनिक खंड के अधिकारी इतने सक्षम है उसे खोज निकालेंगे। मुझे आशा है कि प्रार्थी की बाइक खोज करके पुनः प्रोवाइड कराने की कृपा करेंगे। जय हिंद। अपना नाम बताइए। अंबिका प्रसाद। आपका मकान कहाँ पे है? स्टेट बैंक के सामने। किस जगह? विजयपुर। आपकी बाइक खोई है, किस दिन को खोई थी, कैसे खोया, किस कौन लेके गया था? 10 तारीख के खोई है, मेरा बड़ा वाला लड़का जी जो BSF में है जी, वो लेकर द्वार चार्ज करने गया था। गाड़ी खड़ी करके भगवान के दरवाजे पर और द्वार चार्ज करने के लिए अंदर गया, बाहर आया तो उसकी बाइक नहीं। कहाँ पे गए थे द्वार चार्ज करने के लिए? विजय सुरखर।
किस जगह? देनुपुर। अच्छा, तो आपने इसका एप्लीकेशन दिया नजदीकी पुलिस स्टेशन पर? हाँ, अगरपुरा चौकी इंचार्ज को दिया गया जी, थाना विंध्याचल को दिया गया जी, एसपी साहब यहाँ दिया गया। अच्छा, क्या निष्कर्ष निकला इसका? अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। यानी आप तीन जगह एप्लीकेशन दिए, इसका कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला? क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी बाइक मिले, न्याय हो। कौन सी बाइक थी? अपाचे। उसका नंबर वंबर याद है आपको? नंबर याद नहीं है। अच्छा ठीक है, नंबर उसमें होगा। तो प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम चाहते हैं कि हमको मदद मिले, हमारी बाइक मिले। अच्छा, एक बार अपना पूरा परिचय बता दीजिए। अंबिका प्रसाद विजयपुर, अंबिका प्रसाद पुत्र दयाराम विजयपुर मिर्जापुर विंध्याचल। बाइक किसके नाम पे थी? बाइक सूरज के नाम, सूरज दूसरा वाला लड़का। अच्छा ठीक है।